किसको जिताने जा रहे हैं? बस बाबूलाल मरांडी को। बाबूलाल बाबूलाल सोरेन को जिताना है। 15 लाख रुपया देने का वादा क्या था, अभी तक नहीं दे पाया बीजेपी सरकार? वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी अभी 10 साल से पार हो गया है, 15 साल हो गया और 5 साल। 15 लाख रुपया बीजेपी देने का वादा किया था तो 15 लाख रुपया अभी तक नहीं दे पाया बीजेपी सरकार, तो क्यों नहीं दे पाया? अब वो तो मुश्किल है बताना क्यों नहीं दे पाए। वादा क्या था ना जी? तो आप जो है यहाँ पर के बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में आए हैं या फिर आम जनता के रूप में? बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में। बीजेपी कार्यकर्ता का जो है आपका उसका जो मैनिफेस्टो है उसका मैनिफेस्टो में से एक दो पॉइंट बता दीजिएगा। देखिए बात क्या है ना, धीरे धीरे सब होगा, अभी इतना बड़ा राम मंदिर बना है मोदी जी। राम मंदिर अयोध्या में बीजेपी हार गया, क्या बोलना है इसको? बन तो गया ना, हारा है। मिथुन दा का जो सभा समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर जो है सब जो जितने भी लोग दूर दराज से आए हुए थे, आपका कोई मौसाबुनी से आया था, कोई डुमरिया से आया था, कोई पोटा से आया था, कोई जादूढ़ा से आया था, तो कोई चाकुलिया से आया था, तो कोई आपका दामपड़ा क्षेत्र से आया था। तो घाटशिला में सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है आपका एक कांटे का टक्कर दादा, आप कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, हम तो मेरा चाईबासा से है, मेरा चाईबासा से मैं जेएमएम से। आप जेएमएम से हैं, तो वहां से जेएमएम जीत रहा है? हाँ, चाईबासा से भी। कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट कांची छाप है। कांची छाप है, हाँ। तो कांची छाप में तो जेएमएम नहीं है? नहीं, ये बीरू ये जेरा महतो का पार्टी है। हाँ। अच्छा ठीक है, आप क्या नाम हुआ आपका? आपका मिथुन कर है, कालची बांदरी से बिलीव करते है। अच्छा, तो यहाँ आज का सभा आप क्यों आए थे यहाँ पर? आज देखने के लिए आए थे। देखने के लिए? हाँ। आपका हो सकता है फैन होगा। हाँ। मिथुन जी। हाँ, मेरा नाम आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है? मेरा नाम भी मिथुन है। आपका नाम भी मिथुन है, तो इसीलिए होल से चला। हाँ, तो अच्छा है, तो मौका आपको मिला है, आप देखने के लिए आए थे। अच्छा, हम चाय बस उतरा 3 बजे गाड़ी में, बस में उतरा, देखने के लिए आए। अच्छा, कुछ डायलॉग वगैरह याद है क्या उसका? किस सिंगाड़ा मिथुन कहते हैं, लेकिन एक तो बोतल चाहिए डायलॉग देने से पहले। सिंगाड़ा एखन मारबो लास्ट पर शमशान है, एक डायलॉग बोलिएगा आप। एखन मारबो लास्ट पर शमशान है। यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यकर्ता लोग हैं जो कि यहाँ पर काफी अपने स्तर से मतलब घाटशिला वासियों के लिए सजाया हुआ था, सवारा हुआ था, एक बीजेपी को एक नया रास्ता दिखाने के लिए जो एक आपका सफल प्रोग्राम हुआ आपका विजय संकल्प यात्रा का, जो के यहाँ पर जो है हमारे प्रत्याशी हमको लगता है निकल गए होंगे। अच्छा बाबूलाल जी निकल गए होंगे ना दादा, आप लोग कहाँ से आए थे? धर्मगढ़ से आया था। तो आज का सवा जो है यहाँ पर आपका मिथुन दा भी आया हुआ था, तो कैसे लगा आज का? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? सीधो। सीधो जी, हाँ। तो मतलब कि आप लोग का जो यहाँ पर घाटशिला में तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर एक हॉट सीट बना हुआ है, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ जेएमएम है। बीजेपी डबल इंजन का सरकार बनाने के लिए जहाँ पर जो है विजय संकल्प सभा जो है यहाँ पर एक दिवसीय लास्ट दिन है आज आपका ये, इसके बाद फिर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा पूरी तरह से। तो आप जो है यहाँ पर किसको जिताने जा रहे हैं? बस बाबूलाल मरांडी को। बाबूलाल? बाबूलाल सोरेन को जिताना है। बाबूलाल सोरेन को जिताना है, मतलब किस उम्मीद किस आशा के साथ, मतलब क्यों जिताना है उसको? बस उसका क्या मैनिफेस्ट है? जैसे कि हम लोग कोई रास्ता हफ्ता नहीं है, वो सब अगर तो रास्ता के लिए जिताना है जी। अच्छा चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ जी? साहिब राम टूडू। साहिब राम, चलिए फिर आगे हम लोग फिर से हम लोग कुछ और ऐसे युवा साथियों से फिर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादा दादा आप लोग कुछ बोलिए ना, यहाँ पर जो आपका सभा हुआ तो यहाँ पर सभा में आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ। आज तक का बोला जाए तो घाटशिला विधानसभा में ये जो सभा हुआ बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ। ठीक है ना, मिथुन दा भी आए और सबके सामने दो बात रखे, उनके लिए भी बहुत बहुत ताली है ना। अच्छा। और हमारे घाटशिला विधानसभा के जो भी भाजपा के सदस्य कार्यकर्ता है श्री बाबूलाल सोरेन जी, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमन, इतना बड़ा एक तो सभा का आयोजन किया और साथ ही साथ सब खुश है, किसी को कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुआ, सब सभा बहुत ही अच्छा से पूर्ण रूप हुआ। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। तो उसका जो है आपका उसका जो मैनिफेस्टो है उसका मैनिफेस्टो में से एक दो पॉइंट बता दीजिएगा। देखिए बात क्या है ना, देखिए घाटशिला विधानसभा में जो ये आज का जो कार्यक्रम हुआ ठीक है ना श्री बाबूलाल सोरेन जी का, इसमें श्री बाबूलाल सोरेन जी का बहुत बड़ा हाथ है ठीक है ना। उन्होंने जो इतना बड़ा कार्यक्रम कराया
उतने सोचे उतने अभिनेता मिथुन दा को भी लाए, ठीक है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम भी कराए। दलभमगढ़ में इससे पहले जो है आपका 4 तारीख को अमित शाह भी आया था, जी जी, ठीक है, तो यहाँ पर अमित शाह जो आया था, आपका पूरा सेंट्रल लेवल का गृह मंत्री जो है पूरा एकदम उतरा बड़ा नेता घाटशिला आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे का कारण तो हमको नहीं पता, हम भी एक आम जनता है, आपके जैसे हम भी आम जनता है, हम कोई मतलब इस बार ख्याल से कौन जीतने वाले हैं? देखिए, हम लोगों के तरफ से तो हम लोग एक ही चीज बोलेंगे कि इस बार बीजेपी को लाना चाहिए, ठीक है ना। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है, देखिए, दस साल आपका कितना में चुनाव हुआ था, 14 में, 19 में हुआ था ना, 5 साल देखे हम लोग जेएमएम को, उससे पहले वाला 5 साल भी, मतलब लगातार 2 साल हम लोग देखे जेएमएम को, तो हम लोग आशा करते हैं। इससे पहले तो बीजेपी था, राघव वर्मा सरकार था, अब सरकार वो था, घाटशिला विधानसभा का हम बात कर रहे हैं, घाटशिला विधानसभा का बात, इससे पहले तो लक्ष्मण टूडू जी था जी, हाँ, तो 5 साल देखे ना हम उनको जेएमएम को, तो आशा करते हैं अगले 5 साल हम लोग बीजेपी को देखे, उनके साथ हम लोग काम करे, देखते हैं आगे क्या करते हैं, हम लोग के जो कार्यकर्ता है, जो सदस्य है, बाबू लोकतंत्र का यही पहचान है कि यहाँ पर जो है एक दूसरे पार्टी को जो है अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। आम जनता से मेरा एक ही गुजारिश है कि एक बार भाजपा को भी मौका दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा राहुल कुमार पात्र, कहाँ से? बीजेपी कार्यकर्ता है, घाटशिला से। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए यहाँ पर जो है दही घोड़ा में हुआ, फिर यहाँ पर बहुत सारा जो है अनुभवी कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, तो इन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा, आप लोग भी कुछ बोलिए। हम लोग कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग प्रेस का आदमी है। अच्छा, आप प्रेस का आदमी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है प्रेस के लिए भी स्पेशल है, यहाँ पर एक दिया गया था जो कि यहाँ पर आपने इस तरह से पूरी तरह से प्रयास किया गया। दादा, आप लोग कहाँ से है? आप लोग भी है क्या? आप लोग भी घाटशिला से ही है? नहीं, मुसावनी से। मुसावनी से आए हैं, तो आप लोग कितने लोग आए वहाँ से? वहाँ से अब गिन के तो नहीं बता पाएंगे, मिनिमम 550 लगभग, 550 के आसपास आए थे। तो पूरा घाटशिला वासी आप लोग यहाँ पर आ गए किस खुशी से? यही विठोल चक्रवर्ती को देखने के लिए क्या? हाँ, वो बीजेपी के समर्थन है, इसीलिए उसी के लिए, उसी के खुशी से आए हम लोग, ताकि वोट अगला पूरा एकदम। अच्छा, बीजेपी का जो दावा है 2 करोड़ रोजगार देने का प्रत्येक साल, लेकिन अभी तक नहीं दे पाया, इसके पीछे क्या कारण है? अब देखिए, उसके पीछे ये कारण है कि जो अभी दावा कर चुके हैं उनके लिए हम लोग सार्थक बन चुके हैं, सार्थक ही बन सकते हैं, कुछ से नहीं उससे आगे। अच्छा से अगर वो निर्णय लेते हैं, सही से संचालन करते हैं, तो ठीक है। इसका मतलब कि बीजेपी अच्छा से संचालन नहीं कर रहा? अब फिलहाल देखिए, अभी इसीलिए तो बदलाव के तौर पर दूसरा किसी को मौका दिया जा रहा है। तो किसको दिया जा रहा है अभी? हमारा बाबूलाल सोरेन को। बाबूलाल सोरेन को, तो बाबूलाल सोरेन को मतलब कि किस आशा उम्मीद के साथ 15 लाख रुपया बीजेपी देने का वादा किया था, तो 15 लाख रुपया अभी तक नहीं दे पाया बीजेपी सरकार, तो क्यों नहीं दे पाया? अब वो तो मुश्किल है बताना, क्यों नहीं दे पाए, ऊपर में जो बैठे हैं वही लोग का पता, जितना हमें पब्लिक जितना है वो तो चाहेंगे कि मतलब कैसे भाषण दिया था वो? हाँ, वो तो पता नहीं, वहाँ गया नहीं था, उसके बारे में नहीं बताया। देखिए, मतलब 15 लाख रुपया बीजेपी देने का वादा किया था, दादा अभी कुछ बोलेंगे क्या? कैसा लगा समाज का? बोलिए। बहुत अच्छा समाज, बहुत अच्छा लगा। मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर आया हुआ था, लगभग 4 मिनट के आसपास भाषण दिया, ठीक है, तो आप इसके पीछे आपका सबसे आकर्षक कहाँ लगा, कैसे लगा? जनता का प्यार। जनता का प्यार, मतलब जनता का प्यार मतलब मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर दिया? नहीं, हमारे जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन उसके ऊपर प्यार है, धुंधा के ऊपर भी प्यार है, इसलिए जनता इतना है, आप तो देख ही रहे हैं कि किस टाइप से भीड़ था। नहीं नहीं, बीजेपी जो है आपका कहीं ना कहीं उसको एक मजबूरन यहाँ पर लाना पड़ रहा है, स्टार प्रचारक फिल्म जगत के, अभी राजनीति क्षेत्र में बीजेपी का एक स्टार प्रचारक बन चुके हैं, बंगला में आपका एक एनाकोंडा का रूप लेता है, तो यहाँ पर आपका फिर दूसरे टाइप से मतलब कि लोगों को जो है आपने और फिल्मी जगत से एक राजनीतिक क्षेत्र में मतलब प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है राजनीति मतलब कि किस तरह से होना चाहिए, लोकतांत्रिक रूप में होना चाहिए या फिर धार्मिक तरह पे होना चाहिए? नहीं, सही है, जो आया हुआ था सब सही है, ठीक है, आना भी चाहिए, पब्लिक के मन में आए यहाँ पे, ठीक है, उसका भी क्या बोले उसको, यहाँ पे जो आए वो आज इस जनसभा को मिठुन दा जो किए हैं यहाँ के जितने भी जनता का एक मन में ही होगा कि आने वाला दिन हम लोगों का घाटशिला विधानसभा से हमारे जो प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन भारी से भारी मतों में जीत रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है घाटशिला के दहीगुड़ा में जो है बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं दादा, आप भी कुछ बोलेंगे, कहाँ से आए?
मुसावनी से आए हैं। तो आप जो है यहाँ पर क्या बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में आए हैं या फिर आम जनता के रूप में? बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में। तो घाटशिला में हवा कैसा है? जीतेगा वो, बीजेपी जीतेगा। मतलब कि उसका क्या अच्छा ही काम किया है? सबसे अच्छा काम किया है लोगों को देखभाल करना, जागरूकता करना। क्या जागरूकता किया है अब तक? जागरूकता इसलिए किया है क्योंकि कई कई लोगों को पहले राशन नहीं मिलता था, अभी हर घर में हर गली गली में राशन वासन पूरा मिल रहा है। फिर आप तो राशन जो मिलता है, एक जन को 5 रुपया मिलता है और दूसरे जन का 35 किलो मिलता है, एक जन को 5 किलो मिलता है और दूसरे जन का 35 किलो मिलता है, तो ये किस आधार पर मिलता है? वो आधार पे नहीं मिलता है, गरीबी रेखा जैसे बोलते हैं अंतर्दय और एक तो क्या बोलता है ग्रीन कार्ड, उसमें आपका जो रहता है ग्रीन कार्ड में उसका रहता है आपका 5 रुपया और जो पीला कार्ड रहता है उसका लेता है 35 रुपया। लेकिन वो किस आधार पर किया, कैसे सर्वे किया, किस आधार पर? गरीबी तो सब है। अभी मान लीजिए कि हम अभी गरीबी से हैं और आप थोड़ा जमींदार हैं, उसी के आधार से आधारित किया है। लेकिन मैंने गांव में देखा है, मैंने जो देखा है 4 व्हीलर जिसके पास है उसको भी राशन मिल रहा है और जिसके पास 2 व्हीलर भी नहीं है, मतलब कि साइकिल तो है लेकिन जो बाइक भी नहीं है उसको 5 किलो मिल रहा है, तो इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? ऐसा तो सर्वे सही से भी होना चाहिए, सर्वे सही से होना चाहिए तभी जाके काम सही से होगा। तो सर्वे जो है कहीं ना कहीं सरकार फेल हो जा रहा है। देखिए भारत में तो खाली 3-4 को तो घर नहीं है आपका, अभी देखिएगा नदी किनारे भी 1-2 घर बना हुआ है, उसके लिए तो खोज के दिल्ली तो नहीं आएगा ना सर्वे वर्वे करने, सर्वे भेजने में वो लोगों को भी दिक्कत होता है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। सरकार कुछ बना रहा है तो उसमें पब्लिक को भी करना चाहिए ना कि हमारा सरकार ये क्या है, उसमें जाके हम अपना अधिकार जमाएं, वो फायदा उठा पाए, समझ रहे ना? तो सहयोग भी जनता भी करना चाहिए। अच्छा तो स्कीम कौन सा स्कीम में सहयोग करेगा? राशन तो अभी से नहीं, कई दिनों से दे रहा है। नहीं, जब से बीजेपी आए हर घर में हर गली गली में मिल रहा। अच्छा पहले गिना चुना हुआ था हमको जितना पता है, क्योंकि खुद मेरा नहीं राशन नहीं था जब से बीजेपी आया, 5 साल क्या कम से कम 20 साल हुआ बीजेपी तो राज किया है। तब से हमको मिल रहा। तो आगे जब कौन सा था हमको नहीं पता, लेकिन पहले मेरा तो राशन कार्ड नहीं बना था। राशन कार्ड आपको नहीं मिल रहा था? हाँ नहीं मिल रहा था। अच्छा तो अभी जो है झारखंड में 3 साल से पीएम आवास नहीं आ रहा है। हाँ तो क्यों नहीं आ रहा है, मतलब कि राज्यों को सपोर्ट नहीं कर रहा है बीजेपी सरकार? कुछ कारण होगा, फिलहाल हम उसके बारे में तो कुछ जानते नहीं है। रोजगार के मामले में क्या बोल रहा है? रोजगार के मामले में अभी तो ट्रेन हादसा बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्रेन जो है बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है, बंगाल में होता है, कई जगह में जो है सेंट्रल के कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ट्रेन जो है हादसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपका उसमें जो आपका डिपार्टमेंट के जो लोग है कहीं ना कहीं वो काम में जो है फेल हो जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो किसके हाथ में? ये तो आपका सेंट्रल रेल मंत्री के हाथ में, रेल मंत्री तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। थोड़ा हल्का तो ध्यान देना चाहिए ना, मतलब इसमें ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, और 15 लाख रुपया देने का वादा क्या था, अभी तक नहीं दे पाया बीजेपी सरकार? वो भी होगा। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया और 5 साल देख लेते हैं। 17,000 धीरे धीरे सब होगा। अभी इतना बड़ा राम मंदिर बना है मोदी जी, राम मंदिर अयोध्या में बीजेपी हार गया, क्या बोलना है इसको? बन तो गया ना, हारा या जीते, हमारा राम का तो मंदिर तो बना ना, उसको एक आस्था मिला। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है मुसाफिर से 500 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, बुढ़ा बंदा से आए हुए थे, डुमुरिया से आए थे, चाकुले से आया था, दामपड़ा से आया था, गालोडी से आए हुए थे, कई क्षेत्र से आए हुए थे यहाँ पर मिथुन दा को देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आज लास्ट तारीख है आपका यहाँ पर जो है आपका प्रचार का दिन, आपका 13 तारीख को होगा यहाँ पर चुनाव। दादा आप और कुछ